सबके बहुत काम आने वाली है। यस, आई थिंक मोस्ट वेटेड वीडियो होगी जो कि मेरे पास एक्चुअली इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम आई थी रिगार्डिंग दिस वीडियो की भी आप इस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाओ जो बिगनर्स है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बिगनर्स के एक्चुअली एक्सपर्ट भी होते हैं ना उनको भी इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे तो आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, मैं बात कर रही हूँ आई लैश। ये है मेरे आई लैशेस। ये हुडा के लैशेस हैं और मैं आपको इसको ऊपर करके दिखा देती हूँ। फेक लैशेज और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप बिगनर्स हो, आप न्यू हो, अगर फर्स्ट टाइम लगाना सीख रहे हो तो प्लीज़ महंगे लैशेज में इन्वेस्ट मत करना। मार्केट से 20-30-40 वाले भी लैशेज आते हैं, वो प्लास्टिक के लैशेज होते हैं, आप पहले वो लेके आओ और उनसे प्रैक्टिस करो। जब आप मेक श्योर कि परफेक्ट हो जाओ देन आप एक्सपेंसिव लैशेज पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ही रिजनेबल रेट वाले, मतलब लाइक रिजनेबल या चीप प्राइस वाले, वो जो 30-40 वाले लैशेज आते हैं ना, पहले आपने बुलाने उसको ट्राई करके आपने देखना है कि आपको सूट हो रहा है, आप पे सेट हो रहे हैं, आप अब कंफर्ट हो लैशेज के साथ, तब आप एक्सपेंसिव लैशेज पे जाना। फर्स्ट टाइम ये लैशेज आप देख रहे हो, ठीक है। ये वाइट लैशेज गर्म है मेरी और एक है मेरे पास ब्लैक, देख लो ये है ब्लैक, इसका कलर ही ब्लैक है और ये हमारा बहुत प्लगर। नॉर्मली जो हम लोग कई बार काफ़ी सारी लेडीज ऑलरेडी यूज़ करती हूँ प्लगर आईब्रो के लिए, मैं तो आईब्रो नहीं प्लग से करती, सो बट इसको मैंने इसलिए परचेज करके रखा हुआ क्योंकि मैं इससे लैशेज लगाती हूँ। ये लैशेज, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लैशेज लगाती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने पहले अपने वो वाले लैशेज अपने हैंड्स पे निकाल लिए हैं, ठीक है। ये मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था मेरे पास ये दोनों गम्स हैं, ठीक है, डियो की और मैक की। तो मैं आपको एक इससे लगा के दिखाऊंगी और एक इससे। तो फर्स्ट मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, डियो वाली, और हमें क्या करना है, ये मेरा एक लैशेस। सो हमें फर्स्ट क्या करना है, आप ये देखो, ये ब्लैक वाली बहुत ही मुश्किल से आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, तो आप इस चीज़ को वो ना चाहे आपको वही ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाए। इजली वैसे वाइट कलर की होती है, राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे आप देख रहे हो कि इस तरफ कम हेयर्स है तो ये फ्रंट होगी और इस तरफ ज़्यादा हेयर्स है तो ये बैक आएगा, ठीक है। सेम दूसरी साइड पे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना राइट और लेफ्ट बनाएंगे कि जिस तरफ कम हेयर्स है वो फ्रंट रहेगा, जिस तरफ ज़्यादा हेयर्स है वो बैक। इसलिए खतर की हेड से इसको ऐसे उठाया, ठीक है,
अब ये मेरा सेकेंड वाली जिस पर मैंने ब्लैक गम लगाई थी, तो आप ये देखो ये भी ड्राई हो चुकी है। और अब मैं फिर इसको इस तरीके से करूँगी। Thank you.